बाकी गाइस मैंने गिफ्ट पैक कर लिया है, तो जो पापा को बुला रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, आ जाओ आ जाओ। कितनों की लव स्टोरी यहां, केसरिया तेरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिगी डिगी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस हम गुठान से आज वापस जा रहे हैं। आज जो है वो बहुत स्पेशल है, 99 इस चीज़ के लिए हम स्पेशली वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं। और वो क्या है वो मैं आपको बस थोड़ी सी देर में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड में एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल दिखा रहा हूँ। तो ये है शिमला बाईपास के अंदर। तो जब भी हम शोगी से महली की तरफ जाते हैं तब ये रास्ते में पड़ता है। आज है रात को पापा का बर्थडे, तो उसकी तैयारियाँ भी हमें करनी है, तो इसलिए हम अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं। बाकी कैसा रहता है तो इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कैसी लगी लोकेशन और कैसी एक्साइटमेंट है पापा के बर्थडे की? अब आगे मूव ऑन करना पड़ता है आपको, और जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बट आगे आपको लाइफ जीनी पड़ती है, लाइफ रुकती नहीं है। बट ये एक ही चीज़ ये सीख मिल गई कि वी आर नॉट परमानेंट हियर, टेम्परेरी है, जब तक है तो इंजॉय करो और अच्छा काम करो। हमारे साथ कोई और भी चंडीगढ़ जा रहा है, निकी थोड़ी शर्माती। निकी तो अच्छा है यार। अंजना की कजन निकी। हाय निकी, कैसी है? बढ़िया। लोकेशन कैसी लगी? वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। आइए तो कभी इस लोकेशन में। मैं जब भी आई हूँ तेरे साथ आई हूँ। हाँ तो फिर ये लोकेशन बढ़िया है ना, रिकमेंडेड है कि नहीं है? बहुत, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन सकता है ये वाटरफॉल। पास आके देखे, एक आधी रील भी बना देते हैं छोटी सी, क्यों? तो आज रील भी बनेगी। चलते हैं उस वाटरफॉल के पास और फिर देखते हैं कैसा है वो वाटरफॉल। तो एक्साइटमेंट है ना गाइस, तो आपको भी होगी, हमें भी है, तो लेट्स सी। तो गाइस ये है जी वो ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, और कितना अमेजिंग लग रहा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से आ रहा है एकदम पहाड़ों के बीचों बीच से। और क्या हवा होगी इसके पास जाके, एक बार चलते हैं चेक तो करते हैं थोड़ा नज़दीक जाके। ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे, बस दूर से ही थोड़ी फील ले लेते हैं। पर आ हा हा हा, क्या सुकून है इसके आस पास यार, देखना। वाओ 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 वाओ, सो अमेजिंग, सो मेसमराइजिंग। ओए आ जाओ रील बनाते हैं। अगर आप इस लोकेशन में आना चाहते हो तो मैं आपको अभी दोबारा से बता दूं ये लोकेशन कहां पर है। जब हम शोगी से तारा देवी की तरफ जाते हैं तो फिर ये रास्ता इस साइड को करता है महली की साइड, ये बाईपास है और डायरेक्टली ये कनेक्ट करेगा आपका पंथा घाटी के आसपास बोल दो। तो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, ज़रूर विजिट करें, बहुत शांति फील हो रही है। बहुत सारी रील्स बनाई हमने यहाँ पे, दो एक आधी फोटोज भी खींची। अब चलते हैं आगे क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है और घर जाके तैयारियाँ भी करनी है हमें। तो गाइस हम वहाँ से निकले और बारिश स्टार्ट हो गई है, अब पता नहीं बारिश कहाँ तक रहती है ना। चंडीगढ़ तक तो नहीं रहती, चंडीगढ़ तक रह सकती है, नहीं रहती है। कल भी बहुत, जहाँ हम जाते हैं ना उसी टाइम ही होती है और ये वही टाइम है। चलो देखते, बट अभी तो बारिश का मजा लेते हैं। मन नहीं कर रहा वैसे जाने का, जाना पड़ेगा। तो गाइस मौसम इतना बढ़िया हो चुका है और हमने ली है ब्रेक स्टैग में। ये तो भाई सो गई थी लिटरली, क्योंकि अभी थोड़ा सोई नहीं है ना, नींद पूरी। ये देखो पीछे वासिया ले रही है, भी इसको भी नींद आ रही है। अंजना को आ रही है नींद, तो अंजना बैठ के पीछे, निकी आगे आगे। अब हम निकलते हैं। तो निकी को समझ नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ गया तो आप बताओ। अब ध्यान से देखो ये बाइक वाला दिख रहा है, क्या पता चला इससे? तो जोमेटो यहाँ पे भी अवेलेबल है, इट मीन्स भाई इसकी नींद पूरी हो गई है यार। मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे चश्मे मेरे पास नहीं, अदरवाइज मैं। अच्छा सीरियसली? अच्छा तो बस ये रीजन था। पता क्या सीन है? हाँ जोमेटो आया था, हम कसौली पहुंचने वाले हैं। तो फिर भी अंजू यहाँ पे पहले का जोमेटो था, अब तो शिमला में भी जोमेटो है। किसी बातें कर रहे हैं ध्रुव, शिमला में भी जोमेटो है, लगता है गुठान तक पहुंचने वाला है सच में। क्या बताएं, शिमला में भी जोमेटो है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये बात का। वाह यार, तो पहुंच चुके हैं वापसी हम अपने पंचकुला शहर। तो यहाँ पहुंच के एहसास हो ही जाता है अपने आप, क्योंकि यहाँ पे वातावरण पूरा चेंज हो चुका है और हम सही टाइम पे पहुंच चुके हैं, मतलब इट्स लाइक अराउंड 4:30। चल ठीक है निकी, बाय बाय। मजा आया, बढ़िया गप्पे मारी हमने। मिलते हैं ऑफिस में, मिलेंगे ऑफिस में मिलेंगे।
क्या है वो चीज, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। बहुत एक्साइटेड रहेगी अब हमारी आगे आने वाली जर्नी, थोड़ी एक्साइटिंग रहने वाली, वर्क लाइफ ऑलमोस्ट शेयर होगी। हाँ, जिनको हिंट लग गया होगा लग गया होगा, जिनको नहीं लगा होगा उनको लग जाएगा धीरे धीरे। ये ले ले एक लस्सी की बॉटल तेरी एक मेरी। हाँ ये सही है, प्यार बंटना चाहिए इक्वल। मिलते जल्दी। घर के नीचे पहुंच चुके हैं और देखो गाड़ी की हाल कितनी गंदी हो गई है, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया। और अंजुना बिस्किट भूल गई है। कैसे भूल गई तू बिस्किट, मम्मी का प्यार। आर यू एक्साइटेड टू मीट सेबी? ले भाई बैल भी बजाने दी, पहले ही भूल गया। हेलो माय डियर, मेरे से ही मिला तू। सेबी बेटू कैसा है भैया, कहाँ गायब था इतने दिनों से? अंजू तेरे से मिलने आया, देख पहली बार। इल्ला तू भी पता चलेगी, अभी बिस्किट प्रोटेक्ट करेगा शायद, इसको बिस्किट दिए होंगे। पर गर्मी यहाँ पे कितनी ज्यादा है, देखो इतने टाइम में पसीने आ गए। अब आए, आजा 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 गोंदे बिस्किट। देखा बोला था ना बिस्किट के पास गया होगा अपने। गाइस अब थोड़ा रेस्ट करते हैं यार, बहुत ज्यादा थक गए, चेंज करते हैं। फाइनली अपना केक आ चुका है, पापा अभी आ गए हैं, बट अभी 12 बजने के लिए टाइम है तो अभी अंजना बना रही है डिनर। बाकी गाइस मैंने गिफ्ट पैक कर लिया है, तो इन द शेप ऑफ टॉफी ट्राई किया है मैंने पैक करने के लिए। तो गाइस ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, बस अभी हम डिनर कर रहे हैं, फिर इसके बाद कुछ ही टाइम में हमारा केक कटिंग होगा। वी आर वेरी एक्साइटेड, पापा को कोई आइडिया नहीं है, सरप्राइज है। पापा, हाँ पापा सो चुके हैं। अंजना ऑल सेट? ऑल सेट, कैंडल्स लगा दिए, बस इसको जला देते हैं। बस एक बार ना थोड़ा, कितने बजे? 3 मिनट बचे हैं, लास्ट 2 मिनट में जलाएंगे ना। चल देखते हैं। जब पापा को बुला रहे हैं, बुलाओ। उठे हुए सेवी, आ जाओ जी, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे, आ जाओ आ जाओ। छोटी सी तैयारी की है हमने, ज़्यादा नहीं। आ जाओ सेवी, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आ जाएगा खुद आ जाएगा, कोई नहीं। चलो अब फूंक मारो। Happy birthday to you, birthday to you. बुझाओ बुझाओ जब तक बुझे ना, बुझानी पड़ेगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear papa, happy birthday to you. Say happy birthday, yeah. ले लाखों साल और आपको सारी खुशियां मिले, स्वस्थ रहे। थैंक यू। कुछ नहीं, बिल्कुल आईडी है ये, बस बर्थडे विश करो पापा को। ये तो कर ही रहा था अभी से, मैं हैप्पी बर्थडे विश कर लो। चलो चलो अब गिफ्ट, हाँ गिफ्ट की बारी है। इस बार हमने कुछ अलग ही किया है, शर्ट देते देते हम बोर हो गए थे। मैं शर्ट बोर हो गए थे। क्या लग रहा है इसमें, क्या होगा? टॉफी जैसी पूरी, क्या है? टॉफी भी हो सकती है पापा। तो आपको बर्थडे गिफ्ट है, मेरा बर्थडे गिफ्ट करना, आप खोलना आपको ही पड़ेगा। बताओ खोलो इसको, कोई नहीं, ये गिफ्ट देखेगा फिर ये थोड़ा सा समझ जाएगा कि भाई गिफ्ट क्या है। अब और आपको ये चीज़ यूज भी करनी है, ऐसे नहीं कि भाई छोड़ दी। स्पीकर तो हमारे पास है इतना बड़ा। चलो पहन के दिखाओ क्या है गिफ्ट। पहन के रखनी है, इसलिए हमने दी है, ये उतरनी नीचे है। हाँ अभी पहन के दिखाओ जरा कैसी लग रही है। तो स्पेशल वॉच मंगवाई हमने पापा के लिए, वो भी गोल्ड एडिशन। क्यों जो, क्योंकि आपके पास वॉच नहीं होती है ना अक्सर। कोई नहीं, तो क्या हो गया, बीच बीच में पहने, हफ्ते में एक बार संडे को। लाइट जलाए, आज
ऐसे कर दो स्टाइल, दे इधर दे। कैसी लगी वॉच? ठीक है ना, गोल्ड प्लेटेड, ये खुली रहती है। ये लो जी ये वॉच, तो इसमें आपको देख रहे हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी बताया गया है। कई होता है ना बंदे को वीक याद नहीं है कि कौन सा वीक है, तो वो भी पता चलेगा। आजा बेटू। बाकी अंजना तो केक खा नहीं सकती क्योंकि अंजना का फास्ट शुरू हो गया है, पर एगलेस केक है। हाँ ये बताना चाहूंगा मैं, कैसा केक? ठीक है यार, वैसे मीठा भी नहीं इसमें, परफेक्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट मंगवाया मैंने, सोचा कि थोड़ा अलग किया जाए। चॉकलेट थोड़ा ज्यादा हो गया था पिछली बार। कितने साल के हो गए आप? सेंचुरी मार दी है, हाफ सेंचुरी। अभी है एक दो साल हाफ सेंचुरी के लिए। चलो आज 29 है, पापा पार्टी दे रहे हैं। हाँ पार्टी अभी हमारी ड्यू है, क्योंकि यार हम गए हुए थे ना जैसे गुठान, तो सोचा से कर नहीं पाए ज्यादा जितना करना था। पिछली बार भी तो मैं आई थी, पिछली बार भी आई थी मैं, पिछली बार भी मैं आपको शर्ट दी थी, पर शर्ट का मैं सोच रही थी कि शर्ट बहुत बहुत हो गई थी शर्ट शर्ट, मैं कुछ अलग किया जाए, तो अलग में हमें फिर वॉच ही समझ आई। टाइम परेशान कर रहा है ये, इसको पता है ना आपका बर्थडे है। चुपचाप सो रखा था आज, ये सो रहा था कब, कितनी देर से। तो गाइस इसी के साथ अब बर्थडे पापा का शुरुआत होती है, तो हमने छोटी सी प्रिपरेशन करी जितना हमारे से हो पाया, क्योंकि हम गुटान से आ रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था पहले। पर एनीवे पापा को अच्छा लगा, वो सबसे अच्छी बात लगी है मुझे और अंजना को। अंजना और मैंने दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी कि कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ जितनी भी थी ना हमारे पास, सारी हमने इकट्ठी करके ना प्लान कर दिया। अब हैप्पी बर्थडे का बैनर नहीं था, तो उसके लिए मैंने जो पीछे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा हैप्पी बर्थडे, तो मैंने ये दिमाग चलाया कि मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन पे ही हैप्पी बर्थडे वाला काम निपटा देते हैं। तो थोड़ा सा क्रिएटिव भी बनना पड़ता है ना, आफ्टर ऑल यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाना पड़ता है। तो आई होप कि गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो पापा को बहुत सारी ढेर सारी विशेज देना आप, और पहले से मैं आपको सबको थैंक यू बोल रहा हूँ उनकी तरफ से। तो करता हूँ मैं ब्लॉग एंड, आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए टेक इट इजी ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।